एक शख्स की हत्या होती है जिसकी हत्या पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। ये ढूंढा जाने लगता है कि आखिर उसकी दुश्मनी किससे है, लेकिन जब सच निकलकर सामने आता है तो आपके होश फाकता कर देगा। दरअसल यूपी के संभल जिले में एक हफ्ते पहले हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश किया है और दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां हत्यारों ने मृतक युवक से अपनी बहन को फोन पर बातचीत करते हुए पकड़े जाने पर दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हत्यारों से घटना में इस्तेमाल किए गए तमंचे को भी बरामद कर लिया है। दरअसल संभल के असमोली थाना इलाके के बिलालपत गांव का निवासी मेहंदी हसन एक हफ्ते पहले यानी कि 21 जनवरी को अपने घर से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत पर जाने के लिए निकला था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसका शव भी बरामद किया गया। साथ ही मृतक का ट्रैक्टर भी गायब था। घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी कुलदीप सिंह गुनावत, एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र और सीओ संतोष सिंह ने हत्यारों की तलाश के लिए असमोली थाना पुलिस के साथ ही सर्विलांस और एसओजी की टीम को लगाया। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल शुरू की तो युवक की प्रेम प्रसंग में गोली मारकर हत्या का एंगल मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की घटना को अंजाम देने के आरोप में खानपुर बंद गांव के रहने वाले दो आरोपी अतुल और अंकित को गिरफ्तार करके पूछताछ की, तो दोनों ने पूछताछ के दौरान घटना कबूल ली। उन्होंने बताया कि बीते दिनों उन्होंने अपनी बहन को गांव के ही युवक मेहंदी हसन से बातचीत करते हुए देखा था, जिसको लेकर लड़की के भाई अतुल और मेहंदी हसन के बीच काफी विवाद हुआ था और अतुल ने अपनी बहन के सामने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन इसके बाद अतुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़के को अपनी बहन के रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई और फिर मौका मिलते ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया और फिर लड़के की हत्या को लूट की घटना का टर्न देने के लिए ही हत्यारों ने मृतक युवक का ट्रैक्टर गायब कर दिया था। पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी, चलिए सुनवाते हैं आपको। थाना असमोली में 21 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के गोली लगी है गले में, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मौके पे मेरे द्वारा तथा पूरी टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था, उसी में आज उसका खुलासा किया गया है। इसमें दो अभियुक्त जिनके नाम अतुल पुत्र बाबूराम, अंकित पुत्र विजेंद्र है, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उसको अतुल ने अपनी छोटी बहन के साथ बातचीत करते हुए देखा था और इस पर आपत्ति जताते हुए अतुल और उसके भाई तथा मृतक के बीच में गाली गलौज लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी को रंजिश मानते हुए अतुल ने अपने भाई और दो साथी जिनमें से एक अंकित गिरफ्तार है और एक अन्य जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से सुबह जब वो ट्रैक्टर ट्रॉली से गन्ना डालने आ रहा था तब उसको पकड़ा और उसके ले जाकर उसके गोली मार के हत्या कर दी है। इसमें चार लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जिसमें से दो व्यक्ति अतुल और अंकित अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इनके पास से दो तमंचे बरामद हुए हैं और ट्रैक्टर जो वहाँ से मृतक का था वो बरामद हुआ है और बाकी अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और सराहनीय कार्य करने के लिए टीम को मेरी तरफ से 5,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया। जरा सोच कर देखिए कि सिर्फ और सिर्फ फोन पर बातचीत करते हुए पकड़े जाने पर एक लड़के की जान ले ली गई। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरीके से गोली कांड कब तक होते रहेंगे और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सिर्फ बातचीत करने पर पकड़े जाने पर क्या किसी की जान इतनी सस्ती थी कि वो इतनी छोटी सी बात पर ले ली गई। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।